और 3D में आपको स्पाइडरमैन वर्स वाला करेक्टर देखने के लिए मिलेगा, और एक ग्लिटर वाला स्पाइडरमैन है जो काफी ज्यादा बढ़िया है, जिसकी सिलाई वगैरह बहुत ज्यादा मजबूत है। स्पाइडरमैन वाला 3D करेक्टर का जंबो पेंसिल बॉक्स, डाइकास्ट वाली बुलेट, और भाई ये जो बुलेट है रॉयल इनफील्ड की है, जो बहुत ही ज्यादा गोली की तरह जाती है राइट लेफ्ट आगे पीछे। ये आ चुकी है भाई हमारी जंबो पेंसिल बॉक्स, जिसके अंदर मल्टी LED लाइट जलती है वाला। एक तो भाई साहब द अमेजिंग स्पाइडरमैन की तरफ से आने वाला एक ऐसा ब्रीफ केस वाला अटैची वाला 8 किट सेट। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार जो आप लोगों को दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है आज के लेटेस्ट और काफी ज्यादा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ 12 फ्रेंड्स, एक बार जो आप लोगों को दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है आज के इस लेटेस्ट और काफी ज्यादा ताबड़तोड़ मिस्ट्री कलेक्शन ऑफ स्पाइडरमैन टॉयज में, जिसमें होने वाली है काफी सारे एक ऐसे अल्टीमेट टॉयज जिसका भाई एकदम खुफिया खजाना होने वाला है, यानी कि डांसिंग स्पाइडरमैन से लेकर के होने वाले स्पाइडरमैन वाटर बॉटल से लेकर के स्पाइडरमैन की 8 किट सेट तक, जो कि 148 आर्ट पीस का सेट होता है। साथ ही में आज 15 में से किन्हीं 5 लोगों को मिलने वाला सरप्राइजिंग गिव अवे और साथ ही में हैप्पी बर्थडे शाउट आउट भी शामिल होने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल तो चैनल के सब्सक्राइब बाजू में दिखा बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो भाई देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हमारी रेड कलर की चमचमाती हुई बुलेट, जो कि डुक 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 करती हुई आएगी और डुक डुक करती हुई चली जाएगी। इसके ऊपर दिल्ली का भाई आपको नंबर देखने के लिए मिलता है, साथ में इसके अंदर मेटल के जो है ना एग्जॉस्ट से लेकर भाई मेटल तक की एक किक देखने के लिए मिलती है, जिसको आप अगर हिलाओगे तो ये देखो हिलती हुई है। और इसके ऊपर लेदर की सीट वगैरह देखने के लिए मिलती है, पीछे भी मेटल लगा रखा है इन लोगों ने, टंकी वगैरह प्रॉपर मेटल की है, हैंडल जो है काफी स्मूथली भाई हिलता भी है, मतलब कि ना पूरा फील आएगा जैसे कि भाई सही में ये सचमुच की बुलेट जो चल रही हो। आगे इन लोगों ने लेग गार्ड दे रखा है, इधर साइड में हॉर्न वगैरह दे रखा है, यहाँ पर इंजन वगैरह कंपार्टमेंट है। और अगर आगे आप देखोगे तो इसके जो टायर का जो लुक है उसकी ग्रिप वगैरह भी बहुत अच्छी है और इसका लुक भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिसका भाई एक लाइव डेमो तो लेंगे, क्योंकि तभी पता चलेगा कि जो मेटल की डाईकास्ट वाली बुलेट बाइक है ये कितनी तगड़ी होने वाली है। और इसके नीचे ना भाई मोटर दे रखी है, जिसकी वजह से आप इसको पुल बैक करके चला सकते हो। तो आ जाओ इसके एक लाइव डेमो पे। ये आ चुकी है हमारी ब्रांड न्यू रेड कलर की चमचमाती हुई मेटल की बाइक, जिसको बोलते हैं डाईकास्ट वाली बुलेट। और भाई ये जो बुलेट है रॉयल इनफील्ड की है, जो बहुत ही ज्यादा गोली की तरह जाती है राइट लेफ्ट आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे से भी देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा असली लगती है। और इसकी जो चमक है भाई एकदम असली वाली बाइक की तरह है, इसी वजह से तो गुड है ये, तो सच में ऑसम थी भाई। और इसके टायर की जो आवाज है ना उसी से पता चल जाता है कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। इसके दो जो इंडिकेटर है वो भी बहुत प्यारे दे रखे हैं, पीछे भी भाई दो इंडिकेटर है, प्लस में जो डिपर वगैरह लाइट जो चलती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया दे रखी है। और ये भी पता है मेटल की है, तो यानी कि मेटल की डाईकास्ट वाली जो बाइक है बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है। और ये रेड कलर में है तो आपको ये प्रॉपर स्पाइडरमैन की याद भी दिलाने वाली है, और ये काफी ज्यादा भारी भी है। तो अगर आपको भाई बुलेट बाइक बहुत अच्छी लगती है और आप रॉयल एनफील्ड के डुक 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 फैन हो तो आपके लिए ये काफी ज्यादा तगड़ी साबित होने वाली है। तो अपने नाम क्या वाली क्या आपको लिखना बुलेट बाइक, ताकि ये वाली बुलेट बाइक आपको गिव अवे हो सके। ये ले लिया हमने अपने हाथ में भाई स्पाइडरमैन की एक ऐसी कार, जो कि बीटल वाली कार है, जिसके ऊपर स्पाइडरमैन का लोगो देखने के लिए मिलता है। साथ में आगे आप देखोगे तो स्पाइडरमैन का फेस का लुक दे रखा है, और ये हॉट व्हील्स वालों की तरफ से आते हैं, जो कि नीचे से काफी सुंदर लगती है। आप इसको राइट लेके जा सकते हो, लेफ्ट में लेके जा सकते हो, इसको आप दाएं बाएं किसी भी तरफ घुमा सकते हो, और 360 डिग्री भी ये बड़े आराम से घूम सकते हो। और ये फ्री व्हील है ना, तो इसको आप जो है पीछे की तरफ खींचोगे तो ये अपने आप पुल बैक बन के आगे की तरफ आती है, जिसकी से काफी ज्यादा प्यारी लगती है। इसके अंदर 4 नहीं भाई टोटल 7 लोग बैठ सकते हैं, क्या करें इसके अंदर स्पेस इतना ज्यादा है। और साथ ही में अगर आप ये वाली देखोगे तो ये और भी ज्यादा तगड़ी होने वाली, क्योंकि भाई ये F1 वाली रेसिंग कार है, यानी कि फॉर्मूला 1 बेस पे चलती है। नीचे जो है ना आप ट्रांसपेरेंट रूबी कलर का आप इस पे कांच देख रहे हो, जो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। आगे स्काई ब्लू कलर से भाई डिटेलिंग वगैरह दे रखी है, इधर भी स्पाइडरमैन का एक लोगो बना रखा है, और पीछे एक स्पाइडरमैन की वेब का डिजाइन बना रखा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और एक्चुअल में पूरी गाड़ी आ रही है ना स्पाइडरमैन के लुक में, और इसके जो व्हील वगैरह ये हॉट व्हील्स वाले व्हील है, और ये तो फ्री व्हील है, इसके अंदर कोई पुल बैक नहीं है, फ्री व्हील है, यानी कि आप इसको अपने आप धक्का देकर चलाओगे। लेकिन ये वाली गाड़ी और ये वाली गाड़ी दोनों अपने आप में काफी ज्यादा खूबसूरत है, मेटल की है ना इसी वजह से। तो अगर आपको डाईकास्ट वाली गाड़ी है स्पाइडरमैन की F1 रेसिंग वाली कार दोनों पसंद है, तो अपने नाम क्या वो लिखना, और क्या आपको लिखना है F1 रेसिंग एंड स्पाइडरमैन की मेटल वाली कार, ताकि ये दोनों कार जो है आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो ये आ गया भाई हमारे हाथ में स्पाइडरमैन की एक ऐसी वॉच, जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन की तरफ से आती है, जिसपे लीगो वाला स्पाइडरमैन बना है, और ये एक 3D करेक्टर वाली है, यानी कि आप देखोगे ना तो इसके ऊपर इसका एक 3D फेस बना है, जिसको कि भाई एकदम आप जब कैप को खोलते हो तो बहुत अच्छा पॉपअप साउंड आता है, और इसके अंदर टाइम वगैरह बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये 3D एक इमेज बनी हुई है, जो कि काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर दिख रही है। और ये जो पूरी की पूरी बॉडी देख रहे हो ना, ये सारी भाई प्लास्टिक वाले कांच की तरह है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट कांच होने की वजह से जो है ना इसका लुक भी बहुत प्यारा आता है। और इसके अंदर LED लाइट वगैरह दिखती है, और इसके अंदर का भाई टाइम वगैरह सेट कर सकते हो आप अपने आप ही, और जब ये बटन दबाते हो तो इसके अंदर साउंड भी बजता है, और भाई जो लाइट है वो बहुत जगमगाती है, तो इसका साउंड सुनते ही आपको पता चल गया होगा कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है।
है, तो इसका ना एक लाइव डेमो लेते हैं, हाईलाइट शो करते हैं। और काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है यार, और इसको खोल के देख सकते हो आप, यहाँ पर ना टाइम वगैरह भी बड़े आराम से हमें दिख सकता है। और यार ये म्यूजिक सुन के पॉपकॉर्न वाले भैया की याद आती है, लेकिन भाई इसके अंदर ना डांस भी कर सकते हो, पता है डीजे राज बिच्छिक बिच्छिक, या फिर हम जो है स्पाइडरमैन को खुद डांस करा सकते हैं। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चिराया मेरे दिल का चैन हो। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज भाई, ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना, इसके अंदर लाइट है, देखो भाई लाल कलर की, नीले कलर की, गुलाबी कलर की, हरे कलर की, क्या जगमगा रही है भाई, बिच्छिक बिच्छिक करके जलती है। ये देखो टिंग डिंग 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 टिंग डिंग डिंग डिंग, सुपर है यार, क्या बात है यार, ये सही में बहुत ही ज्यादा सुपर है। और इसकी जो लुक है ना भाई, वो भी बहुत ज्यादा प्यारी आती है, जब आप इसको अपने भाई रिस्ट पर बांधते हो ना, तो ये आप देख सकते हो कितने ज्यादा ये आपके हाथ को कूल बना देती है। और ये आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ ये आपके हाथ पर भी भाई चार चांद लगाने वाली है, क्योंकि यार ये दिखने भाई बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कि भाई स्पाइडरमैन के असली वाले फैन हम ही है, लेकिन हमसे ज्यादा बड़े फैन तो आप लोग हो। अगर आपको इस तरीके की 3D करेक्टर वाली स्पाइडरमैन की वॉच पसंद है, तो अपना नाम लिखना उसके आगे वाओ लिखना, और उसके आगे आपको लिखना वाओ स्पाइडरमैन वाली करेक्टर वॉच, या फिर स्पाइडरमैन की 3D वॉच, ताकि ये वाली वॉच आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो भाई जिन्हें गेम खेलना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, उनको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये उनके लिए एक रिमोट कंट्रोलर है, जो पूरा का पूरा 360 डिग्री जो है ना भाई इसका जॉयस्टिक चलता है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर इसके बैटरी लेवल है, यानी कि जब ये पूरे चार तक रहता है तो ये बिल्कुल लाल जलता है, जिसका मतलब है कि इसकी बैटरी पूरी चार्ज है, और जैसे जैसे डाउन होगा तो उसका मतलब ये कि भाई इसकी चार्जिंग कम हो रही है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो इसकी चार्जिंग का जो पोर्ट है भाई, बहुत ही ज्यादा आसान है, यानी कि आप जो है ना इसको सिर्फ चार्ज करो अपने किसी भी चार्जर से, उसके बाद आप इसके अंदर खेल सकते हो। और इसके जितने भी बटन है सारे के सारे प्रॉपर चलते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और प्लस में भाई ये पकड़ने में बहुत हैवी है, तो आपको जो है ना और भी ज्यादा मजा आएगा। और इसके अंदर कोई तार बांध के खेलना ही नहीं है अपना, सिर्फ इसको बटन को दबा के रखो और ब्लूटूथ से आपके फोन से कनेक्ट हो जाता है, आपके टीवी से कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका प्ले स्टेशन है तो आप ये मार्वल की जो स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस है, इस गेम के मजे ले सकते हो। और ट्रस्ट में भाई ये काफी ज्यादा सुपर होने वाले, क्योंकि ये पर्सनली मैंने भी काफी बार खेली हुई है, जिसका एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है। और ये आपको इसको देख के पता चल रहा होगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है ब्लूरे में होने वाली है, जिससे आपको बहुत ज्यादा मजे आ जाएंगे। और ये आप देख सकते हो ये इस तरीके की एक पैकिंग में आने वाली है। तो अगर आप सचमुच में आपको गेमिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और आपको गेम खेलना ही बहुत पसंद है, और आप सही में कर सकते हो इसकी बी गेम वगैरह, और इसकी वीडियो पूरी क्लियर कर सकते हो, तो आपको अपने नाम के आगे वॉल लिखना है, उसके आगे आपको लिखना है स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस प्लस गेमिंग कंट्रोलर, ताकि ये ब्लूटूथ गेमिंग कंट्रोलर और स्पाइडरमैन की गेम, ये दोनों चीजें आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो ये ले लिया भाई हमने अपने हाथ में हमारी मेटल वाली वाटर बॉटल, जिसको भाई आप ना इस तरीके से अपनी उंगली के अंदर हुक कर सकते हो, और इसको हैंगिंग करके बड़े आराम से लेके जा सकते हो, क्योंकि ये जो है एक रोप लगी हुई है जो बहुत ही ज्यादा इसको तगड़ा बनाती है। साथ में इसका कैप अगर आप हटाओगे, तो जब अगर इसके अंदर गर्म पानी डालोगे तो भाई वो सर्दियों में गर्म का गर्म रहता है, और अगर आप इसके अंदर ठंडा पानी डालोगे तो ठंडा रहता है, क्योंकि ये आप देखोगे ना तो इसके अंदर स्टेनलेस स्टील का पूरा काम हो रखा है, जैसा आपका ग्लास होता है सेम वाली क्वालिटी इसके अंदर लगी हुई है, इसीलिए एकदम फ्लास्क वाला काम करता है। और इसका जो आप टाइट वाला कैप देख रहे हो भाई, ये एयर टाइट कंटेनर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर आपका वाटर लीकेज नहीं होगा। और इसके ऊपर आप देख सकते हो कि इस पे आपको एक स्पाइडरमैन का लोगो देखने के लिए मिलता है, और आगे आपको खुद एक स्पाइडरमैन देखने के लिए मिलता है, जो कि 3D में बना हुआ है। और इस साइड में एक भाई छोटी सी पिक्चर दे रखी है, जो कि खुद का एक उसका लोगो है। और इसी की वजह से ये भाई कहलाती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन की वाटर बॉटल, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। अब जब वाटर बॉटल है, तो इसको रखने के लिए एक स्कूल बैग भी होना चाहिए ना, जो बड़ा हो, जिसको कि भाई इतने सारे सामान को भी हम उसके अंदर डाल सके। तो पहले तो अगर आपको बॉटल बहुत पसंद आई हो, तो अपने नाम के वो लिखना, और उसके आगे आपको लिखना है मेटल वाली स्पाइडरमैन की वाटर बॉटल, ताकि ये वाली बॉटल जो है आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो वाटर बॉटल रखने के लिए भाई हम लोगों को चाहिए था एक स्कूल बैग, और ये इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, ये काफी ज्यादा बड़ा है, यानी कि ये कोई नर्सरी या फर्स्ट क्लास का नहीं है। इसके अंदर आप बड़े आराम से बड़ी क्लास का बहुत सारा सामान लेके जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर अगर आप जिप देखोगे ना, तो ये सारी की सारी मेटल की है, और इसके अंदर ऐसी एक सिंगल नहीं है भाई, ये डबल डबल वाली है, यानी कि आप इसको जिप को इधर से भी खोल सकते हो, इधर से भी खोल सकते हो, और इधर से भी खोल सकते हो। और अगर आपके पास कोई छोटा सा लॉक है, या अगर नहीं है, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि हमारे पास है, ये आपको फ्री मिल जाएगा। इसके पास आपको लगाना इन दोनों के अंदर हुक करके, और इस वाली साइड में आप अपनी वाटर बॉटल रख सकते हो, यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेस है। और इधर अगर आप देखोगे तो एक आपको 4K वाली इमेज देखने के लिए मिलता है, जिसके ऊपर आपको 3D में आयरन मैन देखने के लिए मिलता है, और 3D में आपको स्पाइडरमैन वर्स वाला कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा, और साथ में द अमेजिंग स्पाइडरमैन देखने के लिए मिलता है। और ये काफी ज्यादा ग्लॉसी है भाई, शाइन करता है, क्योंकि इसके अंदर ना चमकीली वाले ग्लिटर्स लगी हुई है। तो ये ग्लिटर वाला स्पाइडरमैन है, जो काफी ज्यादा बढ़िया है, जिसकी सिलाई वगैरह बहुत ज्यादा मजबूत है,
और इसको आप इस तरीके से टांग भी सकते हो घर पे आने के बाद, या अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इस तरीके से इसको पकड़ के भी लेके जा सकते हो, जिसके बाद आप देख सकते हो कि भाई ये रखने पे कितना ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये जगह भी जो है ना काफी ज्यादा घेरता है, तो आप देख पा रहे हो कि इधर उधर से शायद कट रहा हो। तो अगर आपको इस तरीके के स्पाइडरमैन के स्कूल बैग बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि अगर वाटर बॉटल आपको चाहिए तो उसके साथ बैग तो होना चाहिए ना, तो अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलना और अपने नाम के आगे वाओ लिखकर स्पाइडरमैन वाला बैग लिख देना, ताकि वाटर बॉटल और स्पाइडरमैन का बैग ये दोनों चीज आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो ये आ गया भाई हमारे हाथ में हमारा कार लॉन्चर सेट, जिसको आप इस तरीके से रोड पे रख सकते हो और इस तरीके से बटन दबाओगे तो आपकी फरारी जो है ना भाई बाहर आ जाएगी। ये हॉट व्हील्स की तरफ से आते हैं जो कि डाईकास्ट वाली है, यानी कि प्रॉपर मेटल की बनी हुई है, जो कि हाथ पर रखने पर आप देख सकते हो बहुत ज्यादा सिली लगती है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। ये जो आप देख रहे हो ना इस तरीके से पीछे करते हो तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है और बटन दबाने पे ये अपने आप भाग जाती है। घबराने की पर कोई बात नहीं, क्योंकि नीचे अगर ये गिरेगी भी तो आप देख सकते हो कहीं से भी नहीं टूटने वाली, क्योंकि ये मेटल की। जो अगर आपको कार लॉन्चर सेट अच्छा लगता है वो भी फरारी कार के साथ, तो आपको अपने नाम के आगे वॉल लिखना और उसके आगे आपको लिखना फरारी प्लस कार लॉन्चर सेट, ताकि ये दोनों चीजें आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो वाटर गेम खेलना आप लोगों में से किस किस को बहुत ज्यादा पसंद है, ये आप देख सकते हो। इसके ऊपर एक मार्वल की स्पाइडरमैन बनी हुई है और इधर स्पाइडर का खुद का एक लोगो है, और ये गेम वालों की भाई गेम है जो कि मार्वल की प्रोफेशनल गेम है। इसके पीछे आपको हटाना पड़ेगा, उसके बाद इसको आपको ये वाली रोड देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इस वाली की क्या खास बात है कि इसके अंदर डायरेक्ट देखने के लिए मिलता है। अगर कभी भी ये पानी कम हो जाए, बुलबुले कम बनते हैं, तो इस रबड़ की टिप को निकालकर यहाँ पर नकली इंजेक्शन से आप पानी भर सकते हो, जिसके बाद इसकी पानी की जब मात्रा ज्यादा हो जाए तो आपके इसके अंदर बुलबुले अच्छे बनेंगे। आगे भी आप देख सकते हो पूरा पीछे इसके बैकग्राउंड में एक स्पाइडरमैन बना हुआ रेड कलर का, और इधर तो भाई न्यूयॉर्क की बिल्डिंग बनी हुई है। और इस वाली की क्या खास बात है कि ये 4K वाली गेम की तरह आपको दिखने के लिए मिलेगा, और ये 3D प्रिंट में है, जिसके अंदर एक नकली सा विलन भी बिठा रखा है, और इन्होंने एक पप्पी वाला फुटस्टेप सा ले रखा है, जिसके बटन बहुत प्यारे लग रहे हैं और इसके भी बटन बहुत प्यारे। लेकिन आप देखोगे ना साइज, तो साइज में भी अंतर है, क्योंकि ये थोड़ी छोटी गेम है और ये वाली काफी बड़ी है, यानी कि लेकिन आ जाएगी ये भी आपकी पॉकेट में, और ये भी आपकी पॉकेट में बहुत आराम से आ सकते हैं। जब खाली पीरियड हो तो आप बड़े आराम से इसको खेल सकते हो। भाई 5 सेकंड चैलेंज होने वाला है शुरू, तो 1, 2, 3 एंड गो। 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देख सकते हो 5 सेकंड के अंदर अंदर इसके अंदर से 2 छल्ले हैं और इसके अंदर टोटल 3 छल्ले आए हैं। नहीं यार, इसके अंदर 2 ही है, एक शायद निकल गया है। तो यानी कि 5 सेकंड के अंदर इसमें भी 2 आए हैं और इसमें भी 2 आए हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आप लोग 2 की जगह 3 छल्ले डाल सकते हो इसमें भी और 3 छल्ले डाल सकते हो इसमें भी, तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वॉल लिखना और उसके आगे आपको लिखना है बड़ी वाली वाटर गेम चैलेंज एक्सेप्टेड एंड छोटी वाली स्पाइडरमैन की गेम चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि ये वाली दोनों वाटर गेम आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो वही गाना गाना किसको अच्छा लगता है, क्योंकि अब आ गया द अमेजिंग स्पाइडरमैन की तरफ से एक पियानो, और साथ ही में ये बहुत ही ज्यादा सुपर होने वाला है, जिसके लिए आपकी 2 डबल बैटरी लगती है इसमें, और उसके बाद बस ऐसे घुमाओ और बजाना शुरू। कितना भाई साहब बेसुरा बजाया है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाकी अगर आप कन्वर्जन पे दबाओगे ना तो अब ये ऑटोमेटिक चलेगा, कुछ भी इसमें से आप अगर आपने दबाया तो ये पूरा ऊपर पूरा रिदम में बजाएगा। जैसे मैंने ये दबा के छोड़ दिया तो ये ऑटोमेटिक अब बजता रहेगा, ये ABCD बजा रहा था इस टाइम पे। बाकी भाई इसके ऊपर वाले जो कॉर्ड्स है ना वो भी बहुत अच्छे से बजते हैं। अगर आपको गाना बजाना और आपको गाना गाना दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो भाई वेट करो, क्योंकि पियानो के साथ अब बारी आने वाली हमारे एक रॉक बैंड वाले गिटार की, जिसके अंदर आप ना इसके नट भाई बड़े आराम से कस सकते हो, जिसके कसने से क्या होता है जो स्ट्रिंग्स हैं ये बिल्कुल टाइट हो जाती हैं, और आपको इसकी आवाज से पता चल गया होगा कि फिर उसके बाद इसके जो सुर है ना वो बहुत प्यारे निकलने वाले हैं, और आप भी वही रॉकस्टार की तरह ना बिल्कुल यानी कि रणबीर कपूर की तरह इसको बजा सकोगे बड़े मजे से। और ये बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिक बजता है। यहाँ पर इसका स्पीकर दे रखा है, जिसकी वजह से जो मैग्नेट है ना वो भाई साउंड प्रोड्यूस करती है, और बड़े आराम से आप इसके अंदर से मजे ले सकते हो, गाने बजेंगे। और जब ये वाला दबाते हो तो इसके अंदर ऑटोमेटिक बजने लगता है, और प्लस में LED लाइट जलती है वो अलग, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर लगानी होती है 3AA बैटरी। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसके अंदर LED लाइट जलती है, यानी कि इसके अंदर ब्लू भी जलेगी, ग्रीन जलती है, येलो जलती है, पर्पल जलेगी, रेड जलेगी, और भी बहुत सारी जलती है। और कभी कोई तो दिच्चिक 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 डीजे राजेश वाली इसके अंदर लाइट जलती है, स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। तो अगर आपको इस तरीके से रॉकस्टार वाले गिटार अच्छे लगते हैं, स्पाइडरमैन वाले गिटार अच्छे लगते हैं, जिनके अंदर आप गाना बजा सकते हो और गाना गा सकते हो, तो आपको अपने नाम लिखना, उसके आगे वॉल लिखना और उसके आगे आपको लिखना रॉकस्टार वाला
गिटार, ताकि ये एलईडी लाइट वाला गिटार और भाई ये वाला स्पाइडरमैन का पियानो, ये दोनों चीज आपको गिव अवे हो सके, ताकि आप पियानो बजा सको और आप गिटार बजा के भी लोगों को इम्प्रेस कर सको। तो इसको रखते हैं अब इनकी जगह पे। तो ये आ चुका भाई हमारे हाथ में हमारा एक डांसिंग सुपर हीरो, यानी कि आप देख सकते हो इसके नीचे जो होवर बोर्ड लगा हुआ है ना भाई, वो बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर खड़े होने के बाद ना भाई उसके अंदर से 5D लाइट्स निकलती है और म्यूजिक चलता है वो अलग। जिसके लिए हमारा जो स्पाइडरमैन है इसकी कहानी बहुत अलग है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दे रखा है, इधर भी इसके भाई दो टायर दे रखे हैं जिसकी वजह से चल पाता है, और ये 360 डिग्री ना रोटेट हो जाता है, और ये 3D लाइट है, ये जो आप लाइट्स देख रहे हो ना एक्चुअल में 3D लाइट है, लेकिन उन लोगों ने भाई 5D क्यों बोला था वो इसलिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इधर हनीकॉम वाले बल्ब लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो जो लाइट है 3D वाली वो ऑटोमेटिक 5D में कन्वर्जन हो जाता है उसका, और आप आईज वगैरह आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगी भाई बेबी स्पाइडर की, क्योंकि ये क्यूटी इतना है। और साथ ही में इसको हटाने के बाद आप इस वाले व्हील को देख सकते हो कि इसी की वजह से भाई ये 360 डिग्री रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो हम देर नहीं करेंगे, फटाफट से खोलेंगे और इसके अंदर भाई लगा देंगे 3 AA बैटरी कुछ इस तरह से, और उसके बाद ये जो ऑन ऑफ का बटन है, जैसे ऑन करोगे तो भाई आप देख सकते हो कितनी तगड़ी है 5D लाइट्स फेंक रहा है, पूरे कमरे में आपके लाइट ही लाइट भेज देगा, और आगे से भाई लाइट जलती है जो बहुत तगड़ी आती है, देखो बिल्कुल ना 3 पट्टियां ये अलग आपको दिखेंगी लेजर से निकलती हुई, और ये अंधेरे में बहुत ज्यादा गजब लगेगा। ये आप देख सकते हो जब यहाँ पर इतना प्यारा दिख रहा है तो भाई सोच के देखो एक बार जब लाइट्स ऑफ हो जाएगी रूम की तो कितना अच्छा लगेगा। तो आ जाओ इसके एक लाइव वाले डेमो पे। तो ये आ चुका है हमारा डांसिंग स्पाइडरमैन, जो कि हमारा बेबी स्पाइडरमैन, और ये काफी ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि इसके अंदर की जो लाइट्स है वो 5D है यार, तो यानी कि जब हम अंधेरे में लाइट बंद करेंगे तो कितना गजब लगेगा। कितना प्यारा लग रहा है यार, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तुमने चिराया मेरे दिल का चैन। ओहो भाई इस वाली लाइट के अंदर स्पाइडरमैन डिस्को कर सकता है, और इसके साथ इसके फ्रेंड्स भी नाच सकते हैं, और आप और हम भी नाचने वाले, तो काफी ज्यादा ये तगड़ा। वो इसकी लाइट देखो भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि इंद्रधनुष के कितने सारे जो कलर होते हैं ना, सारे के सारे रेनबो के कलर इसने फेंक दिए, सो क्यूट। सच पूछ में ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इसकी जो लाइट्स वगैरह ना वो एक तो बहुत ज्यादा प्यारी है, और ऊपर से ना ये बहुत तगड़े तरीके से अपनी लाइट को बिखेरता है भाई, आप देख सकते हो कितने तगड़े से लाइट अपनी ये बिखेर रहा है, और ये जो इसकी लाइट है ये भाई 3 लेजर लाइट की तरह निकलती है, बहुत प्यारी लगती है, और ये ना धीरे धीरे जैसे दूर जाता है तो ये बड़ी हो जाती है लाइट। तो अगर आपको भी इस तरीके के डांसिंग स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा पसंद है, जिसके अंदर भाई 5D हनीकॉम वाली लाइट निकलती है, आगे से भाई ब्लू लाइट्स निकलती है, और ये रंग बिरंगी लाइटें निकालता है, ऐसा लगता है कि भाई एकदम इंद्रधनुष किसी ने बिखेर दिया फर्श के ऊपर। और साथ ही में ये जो बेबी स्पाइडर है ये दिखने में भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, इसके डांस जिसका ठुमके ठुम ठुम इस तरीके से हिलता है तो और भी ज्यादा प्यारा लगता है। अगर आपको इस तरीके के बेबी डांसिंग स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा पसंद आया तो अपने नाम के आगे वॉल लिखना, और उसके आगे आपको लिखना बेबी स्पाइडरमैन डांसिंग हीरो, ताकि ये वाला हीरो आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो अब बारी आने वाली है भाई हमारी एक ऐसे स्टेशनरी सेट की, जो कि भाई एक मैनुअल सेट होने वाला है, एक होता है ऑटोमेटिक सेट और एक होता है मैनुअल सेट। यहाँ पर आप ये जो पिन देख रहे हो ना ये एक्चुअल में इसके लॉक का काम करती है, और जैसे आप इसको हटा दोगे तो ये पूरा का पूरा भाई पत्ता आप हटा सकते हो, और आप देखोगे ना जैसे आप इसको घुमाओगे तो इसके डिजाइन बदलते हैं, और ये हमारा जो स्पाइडरमैन है और भी ज्यादा पहले से खूबसूरत दिखने लगता है, और इधर की तरफ देखोगे तो भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, ऐसे देखने पे बिल्कुल सिंपल लगता है, और ऐसे देखते तो इसके अंदर काफी ज्यादा लाइट जगमगाती है, क्योंकि इसकी ग्लिटर जो है ना चमकने लग जाती है। ये एक मिनी स्टेपलर है जो भाई आपको पता है कि अंदर से पूरा का पूरा मेटल का है, जिसको पीछे करते ही आप यहाँ पर इसके अंदर पिन वगैरह लगा सकते हो, और उसके बाद टिचिक टिचिक बड़े आराम से कुछ भी अपना स्टेपल कर सकते हो, और पीछे इन लोगों ने हुक भी दे रखा है ताकि अगर कोई गलत पिन लग जाए तो इसको इस तरीके से अटैच करके उखाड़ सको, और उसके बाद दोबारा अपना कोई आराम से स्टेपल कर दो, और पिन की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर भाई पिन यहाँ पर मिलती है, और वो भी स्पाइडरमैन की पैकिंग के साथ, यानी कि इसके अंदर जो बॉक्स आप देख रहे हो ना ये पूरा का पूरा 10 स्टेपलर एक किट दे रखी है पूरी, और साथ में अगर आपको करेक्शन टेप यूज करनी है तो भाई आप ये देख सकते हो इधर स्पाइडरमैन लिखा हुआ है, और स्पेलिंग तक भाई एक एक जो है ना इन लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट लिख रखी है, जो हम देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हुए। और ये वाला जो भाई ये ब्लू कलर की करेक्शन टेप है जिसके ऊपर स्पाइडरमैन लिखा हुआ है, और इसके एक ये पूरा रोलर है और एक रोलर ये है, और इन दोनों रोलर को हमें यूज करना होता है इस वाले करेक्शन टेप में, जिसको यहाँ पर लगा के ना ये बन जाते हैं करेक्शन टेप, और उसके बाद आप अपनी यहाँ पर अपनी टेप वगैरह काट के उसको यूज कर सकते हो। और ये भाई वो सबसे ज्यादा तगड़ी चीज जो आपकी स्टेशनरी के लिए काम आने वाली है, जिसको हम बोलते हैं एक सीजर, और सीजर के साथ भाई सीजर होल्डर भी मिलता है, यानी कि अगर ये ऐसे बंद रहेगी तो ये किसी को भाई हार्म नहीं करने वाली, और जब आपको यूज करनी हो तो इसको खोलने के बाद आप बड़े आराम से कुछ भी चीजों को कट कर सकते हो, आप अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर सकते हो, आप अपनी ड्राइंग वगैरह कर सकते हो, अपनी क्राफ्ट में भी इसको यूज कर सकते हो। और उसके बाद इस होल्डर में इस तरीके से इसको अटैच करके अब जब आप रख दोगे तो ये खुलेगी भी नहीं, और ना ही इससे आपका भाई कटने का डर रहेगा ना फटने का डर रहेगा। तो अगर आप लोगों को ये स्पाइडरमैन की तरफ से आने वाला मैनुअली स्टेशनरी सेट, जिसको भाई स्टेपलर सेट भी बोलते हैं, अगर आपको ये पसंद आया वो मिनी स्टेपलर सेट, तो अपने नाम लिखना आपको, उसके आगे आपको वाओ लिखना, और उसके आगे आपको लिखना है द अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला स्टेपलर सेट, ताकि ये वाला प्रॉपर सेट जो आप लोगों को गिव अवे
हो सके। तो ये आगे भाई हमारे हाथ में इरेजर वाले कीचेन, ये भाई हमारा जो मून पर बैठा हुआ है बेबी स्पाइडर, जो कि हमने देखा भी था बेबी स्पाइडर, इसको भाई बड़े आराम से आप पीछे से पकड़ के इरेज कर सकते हो। इस वाले से भी आप पकड़ के भाई इरेज कर सकते हो अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है, या फिर आप इससे एक्शन भी कर सकते हो। इस तरीके से चलता है ये, टुपुक 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 टुपुक, देखा आपने किस तरीके से एक्शन करके दिखाता है। और भाई इसने ले लिया गलती से 80,000 रुपए का जूता, जिसकी वजह से इसका घर चला गया। ये रहा इसका जूता, और ये पूरा का पूरा जो है ना स्पाइडरमैन का अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला वर्जन है ये, जो आपको दिख भी रहा हो कि ब्लैक एंड रेड कलर का, तो इसलिए ना ये आप बिल्कुल इसको बोल सकते हो कि ये इसने खरीद लिया, लेकिन इसकी वजह से इसका घर चला गया। तो अगर आपको इस तरीके के इरेजर वाले कीचेन पसंद है, जिसके अंदर आपको स्पाइडरमैन देखने के लिए मिलता है और शूज वाले कीचेन भी देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि इरेजर कीचेन देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको अपने नाम लिखना है, उसके आगे वॉल लिखना है, उसके आगे आपको लिखना है 3 इरेजर किचन, ताकि ये तीनों इरेजर किचन आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो ये आ गया भाई आज का हमारा पास एक जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, यानी कि जंबो पेंसिल पाउच, ये आ वालों की तरफ से आता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो इस पर सुपर गॉड भी लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो गॉड लिखा है वो यानी कि इसकी शक्ति के लेवल को बता रहा है कि भाई इसके अंदर पावर इतनी ज्यादा है। और ये जो है ना पूरा का पूरा मैट फिनिशिंग में है, जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है, और इसके अंदर अगर आप जिप की क्वालिटी देखोगे तो ये प्रॉपर मेटल की बनी हुई है, और इसी वजह से ये इतनी स्मूथ है कि भाई ये एक भी बार अटकती नहीं है ना ये झटकने वाली, और ये करके आएगा आपके पास और चला जाएगा। और जब आप इसको खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक्चुअल में इतना तगड़ा स्पेस मिलने वाला है ना आपको, कि ये जो अभी हम जो स्टेशनरी किट देखेंगे ना, ये सारा का सारा सामान आप बड़े आराम से इसके अंदर रख सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको अपने पैसे रखने हैं तो भाई आप अपने पैसे भी जोड़ सकते हो बिना पिगी बैंक के, आप यहाँ पर अपने पैसे सारे जमा कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने नेल पेंट वगैरह रख सकते हो, आप अपनी वॉच रख सकते हो, इधर आप अपने फैंसी पेन, मल्टी कलर पेन, पायलट पेन, फाउंटेन पेन तक रख सकते हो, और इधर आप अपनी फैंसी डायरी, फैंसी इरेजर वगैरह भी बड़े आराम से रख सकते हो। तो अगर आप लोग भाई इस तरीके के 3D आहा वर्जन वाले स्पाइडरमैन की तरफ से आने वाले जंबो पेंसिल बॉक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं 3D कैरेक्टर वाले, तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वाव लिखना है, और उसके आगे आपको लिखना है स्पाइडरमैन वाला 3D कैरेक्टर का जंबो पेंसिल बॉक्स, ताकि ये वाली जंबो ज्योमेट्री बॉक्स जो है आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये आगे भाई हमारे हाथ में हमारी द अमेजिंग स्पाइडरमैन की तरफ से एक ऐसी गन, जिसकी भाई एक तो आवाज ही बहुत ज्यादा सॉलिड है, प्लस में यहाँ पर आप इसको हुक की तरह बांध सकते हो, और उसके बाद आप बड़े आराम से कहीं पर भी इसको लटका सकते हो और इस तरीके से झुला सकते हो। बहुत ज्यादा तगड़ी है और प्लस में स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज्यादा है अपने आप में। और भाई इसका जो लुक है ना बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और यहाँ पर एक साथ आप ना अपनी 5 बुलेट कम से कम लगा सकते हो। देखो 1, 2, 3, 4 चार तो यहाँ पर आएगी और पांचवी आप यहाँ पे लगा सकते हो, जिसको कि आप लोड करोगे और उसके बाद ये ट्रिगर को जैसे लॉक कर लिया तो जैसे आप चलाओगे तो ये भट्ट देना चलती है, और ये आपके किसी कांच पे चिपक सकती है, टेबल पर चिपक सकती है, और अगर निशाने वगैरह मारोगे तो वो भी बहुत तरीके से लगेंगे। मेरे को पता आप लोगों को मजाक लग रहा हो, तो भाई क्यों ना इसका भी एक लाइव डेमो बनता है, तो आ जाओ फिर इसके एक लाइव डेमो पे। ये देखो भाई ये सरप्राइज आप लोगों के लिए, बिना मुंडी का हल्क, और यहाँ पर हमारे पास थैनोस भी है, और हमारे पास थॉर जो एंटमैन की गन लेके आया, और ये कप का मैल हम लोगों को तोड़ना है, वो भी काफी तगड़े तरीके से स्पाइडरमैन वाली गन के साथ। तो ये 1, 2, 3 एंड गो। ओ भाई इसको रिवर्स करके देखते हैं स्लो मोशन में। वाओ यार कितना प्यारा था ये, इसको भी रिवर्स करेंगे यार। ओके भाई ये ना कहीं पे भी चिपक जाते, चाहे टाइल हो, चाहे शीशा हो, चाहे दरवाजा हो, कहीं भी हो, ये कहीं पे भी बड़े आराम से चिपक जाते हैं। थॉर को देखो भाई साहब, इनकी तो सबकी बैंड बज गई एक ही बार में, मजा आ गया यार। ओ माय गॉड भाई ये वो अक्के में बहुत ही ज्यादा गजब चीज है, इसको भाई किसी भी जगह पे आराम से चिपका सकते हो। अगर आपके बहुत तगड़े निशाने हैं तो भाई आप ना कहीं भी दूर से धाए 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 कर सकते हो। और पता आपको एक सीक्रेट बताऊं, कान इधर लेके आओ, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो ना, एक्चुअल में अगर आप यहाँ से इसको घूरना शुरू करोगे, जैसे कि हमें स्पाइडरमैन यहाँ से दिख रहा है, तो हम यहीं से निशाना लगा सकते हो। इसीलिए जो सीधे इन्होंने लाइन देखे, इसीलिए देखे ताकि आप अपने निशाने वगैरह ना अपनी आईज के पास रख के बड़े आराम से इसमें देख सको। तो अगर आपको इस तरीके की मजबूत वाली गन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो अपने नाम के आगे वॉल लिखना, और उसके आगे आपको लिखना स्पाइडरमैन वाली गन, ताकि ये वाली गन जो आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो इसको रख देते हैं अब इसकी जगह पे। जगह पे रखने के बाद भाई ये आ गई हमारे पास 2 मेटल वाली ज्योमेट्री। आप ये देख सकते हो यहाँ पर पूरा स्टेशनरी सेट लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर जितने भी आपको आइटम दिख रहे हैं, डी से लेके कंपास तक, कंपास से लेके डिवाइडर तक, डिवाइडर से लेके सीजर तक, सीजर से लेके पेंसिल, रबर, शार्पनर, इरेजर तक, सब कुछ इसके अंदर आप रख सकते हो। और ये वेबस्टर वाली गर्ल है, जो यानी कि स्पाइडर गर्ल बोल सकते हो, स्पाइडर सेंस की तरफ से आती है। और ये जो भाई ये हमारा स्पाइडरमैन है, और ये इकलौता स्पाइडरमैन है जो काफी ज्यादा 3D और ग्लॉसी प्रिंट में आता है, जिसकी आपको मेटल के वास्ते पता चल गया हो कि इसकी जो मेटल की क्वालिटी है
वो बहुत अच्छी है। और साथ में भाई ये डबल ट्रे वाली है, यानी कि इसके अंदर आपको 1 से लेके भाई 1 तो 9 तक टेबल देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही में अल्फाबेट मिलते हैं A to Z तक। और नीचे जो है आप अपना सारा सामान रख सकते हो, और प्लस में इधर 10-15 रुपए के पैसे भी अगर आप रखोगे तो उसको भी आप बड़े आराम से छिपा सकते हो। और ऊपर वाली ट्रे में आप अपना स्केल वगैरह, डी वगैरह, डिवाइडर वगैरह सब कुछ इसमें बड़े आराम से रख सकते हो। तो अगर आपको इस तरीके की ज्योमेट्री पसंद है तो आपको बताना 6 रुको बंद तो करने दो कि 6 कितना होता है। जिस किसी का भी आंसर सही होगा कि 6 इतना होता है तो उसको ये वाली वेब वाली स्पाइडरमैन की मेटल वाली पेंसिल बॉक्स गिव अवे होगी। जिसका जवाब सही होगा कि 6 इतना होता है तो अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलना। और ये इस तरीके की ज्योमेट्री नहीं है, यानी कि ये इस तरीके से नहीं दिखेगी आपको, ये इस तरीके से दिखेगी। और ये सही में यार खड़े होने के बाद बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वर्टिकल वाली की अपनी अलग बात होती है। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। जगह पर रखते भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको वुल्वरीन देखने के लिए मिलता है एक्समैन। पर्सनली मेरे को काफी ज्यादा पसंद है एक्समैन, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत ज्यादा देखा हुआ है। और इसके अंदर आपको हल्क देखने के लिए मिलेगा और 3-4 लोग और देखने के लिए मिलेंगे, बाकी ये सब आप बता देना। और ये हमारा भाई रॉक स्टार है, यानी कि हमारा स्पाइडरमैन। और इसके अंदर आपको मैग्नेटिक लॉक देखने के लिए मिलता है, और इधर पॉपअप वाला शार्पनर देखने के लिए मिलता है, जिसमें छोटी पेंसिल से लेके बड़ी पेंसिल, प्लास्टिक क्रेयॉन से लेके भाई वैक्स क्रेयॉन तक छील सकते हो। और डस्ट जो है इस तरीके से इस ढक्कन को निकालने के बाद बड़े आराम से फेंक सकते हो। और दूसरी तरफ जब आप इसको घुमा दोगे तो यहाँ पर आपको भाई मिलने वाला कुछ अलग। वो क्यों? क्योंकि इधर जो फ्लैट सर्फेस है यहाँ पर आप अपना स्केल रखो या डी रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो ये आपका व्हाइट बोर्ड का काम करेगा, जिससे कि आप इस यहाँ पर टेम्पररी मार्कर से कुछ भी लिख सकते हो। वैसे लिख परमानेंट से भी सकते हो, लेकिन परमानेंट से लिख दिया तो भाई वो हमेशा इस पे छपा रह जाएगा ना। तो इसलिए कोशिश करना टेम्पररी वाले मार्कर से लिखने की। और जब अगर आपका मन करे इससे खेलने का तो भाई इस तरीके से बटन दबा के छोड़ देना। इसके अंदर एलईडी लाइट जलती है। मुझे पता आपको लग रहा होगा कि यार ये उतना भी ज्यादा खास नहीं लग रहा, लेकिन ट्रस्ट मी जैसी लाइट ऑफ होगी ना रूम की, ये बहुत ज्यादा चमकने वाला है। तो लाइट को करते हैं ऑफ। ये आ चुकी है भाई हमारी जंबो पेंसिल बॉक्स, जिसके अंदर मल्टी एलईडी लाइट जलती है। इसके अंदर आपको वुल्वरीन देखने के लिए मिलता है, हल्क देखने के लिए मिलता है, ब्लैक विडो देखने के लिए मिलती है। और ये जो पेंसिल बॉक्स है ये 4K है, यानी कि पूरा का पूरा जो इसका प्रिंट है वो पूरा HD प्रिंट बना हुआ है, जिसकी वजह से ये एकदम 3D फील देती है। और एकदम ऐसा लगता है कि यार ये कोई ना एकदम असली वाली हो, क्योंकि आप अगर देखोगे स्पाइडरमैन को तो इसको देख के भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है, और सही में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। और अंधेरे में जो है ना भाई इसकी लाइट इतनी तगड़ी जगमगाती है ना, ऐसा लगता है कि कोई रेनबो चालू करके छोड़ दिया है। और इसके अंदर पिंक कलर की लाइट है, येलो कलर की लाइट, ग्रीन कलर की LED लाइट, मतलब पूरे जितने भी 7 के 7 रंग जो इंद्रधनुष में होते हैं वो सब के सब इसके अंदर जलते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। कहा था ना आपसे कि यार ये सही में बहुत ही ज्यादा गजब लगती है। ये देखे ना पिंक कलर से लेके ग्रीन कलर तक, येलो कलर तक, ब्लू कलर तक, और यहाँ पर देखो छोटा सा एक पर्पल कलर का एक अलग ही शाइन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई कोई तारे जल रहे हो। तो यहाँ पर ना एक छोटा सा बटन लगा हुआ है एक्चुअल में, उसको जब आप दबाते हो तो लाइट जलती है, और जितनी बार दबाते हो तो उस तरीके से पैटर्न बदलते हो लाइट, जैसे कभी जगमगाते टिम 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 करके, कभी डिंग डोंग करके चलती है, आवाज नहीं करेगी लेकिन पैटर्न उसी तरीके से फॉलो करती है। तो आगे से अगर कभी लाइट भाग जाए ना तो भाई अपनी आप पेंसिल बॉक्स की लाइट को चला करके भाई अपना एंटरटेन कर सकते हो अपने आप को। तो अगर आपको इस तरीके की भाई एंटरटेन करने वाली एलईडी लाइट वाली पेंसिल बॉक्स पसंद है वुल्वरीन, यानी कि एक्समैन के साथ आने वाली स्पाइडरमैन की कोलैबोरेशन की, तो अपने नाम के आगे वॉल लिखना, और उसके आगे आपको लिखना है एलईडी लाइट वाली स्पाइडरमैन की जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, ताकि ये वाली भाई जंबो पेंसिल बॉक्स आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और अगर इसको आपने जगह पर रख दिया है तो भाई ये ट्यूब स्लैम को बिल्कुल मत भूलना, जो खींचती चली जाती है, खींचती चली जाती है, ऐसे आप खींचोगे तो भाई ये ना तो टूटेगी ना फूटेगी, ना ही आपकी शर्ट पे गिरेगी, ना आपके ड्राइंग के पन्ने में चिपकेगी, क्योंकि इसके अंदर भाई कोई भी गोंद नहीं डली हुई, यानी कि ग्लू इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डली हुई। ये देखो जैसे आप इसको खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एक तो इसके अंदर जो है ना रेड एप्पल की भाई बहुत ही अच्छी फ्लेवर वाली खुशबू आ रही है, लेकिन खाना नहीं है, सिर्फ इसके अंदर सैंड की तरह स्प्रे कर रखा है, ताकि भाई बच्चों को जो है ना बहुत ही ज्यादा मजा आ जाए इसकी खुशबू सूंघकर। जैसे आप डालोगे इसके अंदर फिंगर तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं चिपका, क्योंकि इसके अंदर यार बिल्कुल भी गोंद है ही नहीं। प्लस में इसके अंदर भाई चिमकीली जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से दे रखी है, जिसकी वजह से आपको दिख भी रहा हो कि यहाँ पर ग्लिटर ग्लिटर दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कोई रेड कलर की जेली और टेडी बियर वाली। लेकिन इसके अंदर जब आप नीचे आओगे ना ग्लिटर से तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर एक बंदा कोई आराम से सो रहा है स्विमिंग पूल की तरह, और वो है स्पाइडरमैन। तो आपको पता लग गया होगा कि ये जो भाई लेटा हुआ ये स्पाइडरमैन। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि आप अपने भाई इसको स्लाइम को बिना तोड़े खींचते रहोगे और आप स्पाइडरमैन को निकाल सकते हो, तो आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाओ लिखना है, और उसके आगे आपको लिखना है स्पाइडरमैन वाली ट्यूब स्लाइम, ताकि ये वाली ट्यूब स्लाइम जिसको आप पकड़ के इस तरीके से खींचते चले जाओगे और ये टूटेगी भी नहीं, ताकि ये जो है आपको फिर गिव अवे हो सके। तो इसको रख देते हैं इसकी जगह पे। तो सही पहचान आपने, ये आती है
स्पाइडर सेंस की तरफ से, स्पाइडरमैन की तरफ से, जिसमें एक इन्होंने मूवी का थीम क्रिएट करा है जिसके अंदर स्पाइडरमैन का इधर भी विलन आपको देखने के लिए मिलेगा और स्पाइडरमैन का पार्ट 3 वाला विलन भी देखने के लिए मिलता है। सैंडमैन से लेकर आपको इसके दोस्त का फादर देखने के लिए मिल रहा है और ये न्यूयॉर्क सिटी में घूम रहा है जहां पर ये लोगों को बचाता हुआ घूम रहा है करते हुए भाई जाले फेंक रहा है और ये सब लोगों को भाई आपको पता है एस्केप करके चला जाएगा। यहाँ पर स्पाइडरमैन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ स्पाइडरमैन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ स्पाइडरमैन देखने के लिए मिलेगा और इधर भी स्पाइडरमैन है। और आप ये जो रिबन देख रहे हो ना, इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसको आप किसी को भाई एज अ सरप्राइज गिफ्ट में दे सकते हो, क्योंकि जैसे किसी को ये मिलेगा और वो इसकी इस तरीके से अनबॉक्सिंग करेंगे तो उनको भाई काफी तगड़ा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और ये जो आप देख रहे हो ना पेंसिल बॉक्स, ये भी एक्चुअल में मेटल की है जिसके अंदर आपको अलग अलग पार्ट वाले स्पाइडरमैन देखने के लिए मिलते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाले देखने के लिए इसमें मिल जाएंगे और सैंडमैन तक का इसके अंदर विलन देखने के लिए मिलता है। और सबसे अच्छी चीज क्या है, अगर आप नोटिस करोगे तो इसकी जो इरेजर है उस पर भी स्पाइडरमैन बना हुआ है, शार्पनर जो स्पाइडरमैन जैसा है, पूरे जो वैक्स किरे होने 6 अलग अलग कलर के आपको मिलेंगे, वो भी उसके ऊपर स्पाइडरमैन की प्रिंटिंग हो रखी है। स्पाइडरमैन के बॉक्स में आते हैं, 2 डिजाइन वाली पेंसिल मिलती है भाई, इसके ऊपर भी इन लोगों ने स्पाइडरमैन का थीम बना रखा है पूरा का पूरा, जिससे कि भाई पता चलता है कि हां भाई ये लोग तो स्पाइडरमैन के फैन है। और ये एक्चुअल में ऐसे नहीं लग रही कि जैसे कि आप इसको पकड़ के ना भाई चॉपस्टिक समझ के बड़े आराम से कुछ भी नूडल्स वगैरह प्यार से खा सकते हो। और अगर इधर देखोगे तो ये जो इसका स्केल है ना, ये काफी मुझे पसंद है और मुझको काफी ज्यादा बार ये पसंद आता है, क्योंकि आप देखोगे तो छोटे से उस पे स्केल पे इतनी अच्छी इन लोगों ने आर्टिस्टिक अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कराया। इन लोगों ने एक पूरा एक सीन इस पे दर्शाया गया जिसमें लोग डर के भाग रहे, विलन आ गया है और स्पाइडरमैन जो है इन लोगों को बचाने के लिए आ गया है। तो ये स्केल है 15 सेंटीमीटर का जो पिंक कलर का है। और अब जब भाई इतना सारा सामान है तो उसको रखने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो उसके लिए लोगों ने दिए ये खूबसूरत सी 3D वाली, 4K वाली और फुल HD वाली एक स्पाइडरमैन की मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स, जिसका भाई खुलते ही ना पॉपअप जैसा साउंड आता है। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड मिला, कुछ भी मार्कर से लिख सकते हो और यहाँ पर आप अपने पैसे से लेकर 12 स्केच कलर तक आप सेव करके रख सकते हो और जब बंद करते हो भाई तब भी इसका साउंड आता है। और ये जो है ना पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको अल्फाबेट्स देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आप किसी को बड़े आराम से A to Z तक अल्फाबेट सिखा सकते हो और 1 to 9 तक यहाँ पर टेबल है। और आपके लिए चैलेंज के 7 7 कितना होता है, तो अगर जिस किसी को भी सही जवाब पता है तो भाई उसको लिखना है कि 7 7 इतना होता है और अपने नाम क्या वॉल लिख देना और क्या आपको लिखना है स्पाइडरमैन वाली स्टेशनरी सेट, ताकि ये वाली सेट जो है ये आपको गिव अवे हो सके। अब आपको लग रहा होगा सब तो खत्म हो गया, लेकिन नहीं, अभी ट्विस्ट जो है इसके अंदर एक बाकी है और वो ये है कि आज जिन 15 लोगों को शाउट आउट मिलेगा और जिसके अंदर हैप्पी बर्थडे शाउट आउट भी शामिल है, उनमें से किसी 5 लोगों को मिलने वाली है स्कूल बैग स्पाइडरमैन की तरफ से और 148 पीस का आर्ट किट सेट द अमेजिंग स्पाइडरमैन का। तो ये है वो 15 नाम, सौम्या घोष, अबीर घोष, अरित्रा दास, आयुष विश्वकर्मा, शुभम साई, सूर्यम पांडा, साई अश्रित नायक, विभू, आयुष, अविनाव छेत्री, गौरी, रेयान फ्रॉम पाकिस्तान, जन्म अजय फ्रॉम हैदराबाद एंड हैप्पी बर्थडे टू यू यशवंत पटनायक एंड अवि मोमी, आप दोनों को आपके जन्म इनकी हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इन 15 में से किसी एक को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, 4 को नहीं, टोटल 5 लोगों को मिलने वाला है एक तो भाई साहब द अमेजिंग स्पाइडरमैन की तरफ से आने वाला एक ऐसा ब्रीफ केस वाला अटैची वाला आर्ट किट सेट, जिसके अंदर 48 50 100 120 नहीं टोटल 148 पीस का आर्ट किट सेट होने वाला है, जिससे कि भाई आप अपने आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कभी नहीं रोक सकते। आप बड़े आराम से कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर सकते हो और अपनी ड्राइंग वगैरह कर सकते हो, जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स बड़े इजीली कर सकते हो। और इसके बाद जब आपका होमवर्क वगैरह कुछ भी हो जाए, आपका काम हो जाए, प्रोजेक्ट हो जाए, तो इसी अटैची में बंद करके बड़े आराम से रख सकते हो। और ये जो अटैच है ये पूरी की पूरी मेटल की है, तो इस वजह से आपको और भी ज्यादा आपके मजा आने वाले हैं। और इतने सारे आपके पास आइटम आएंगे तो उनको सबको रखने के लिए आपको एक बैग चाहिए, तो इसलिए ये बैग भी आप लोगों को मिलने वाला है। और अगर साथ ही में आप लोगों को भी ये सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई है तो अपने नाम लिखना है आपको, उसके आगे वाव लिखना है और भाई ये ज्यादा से ज्यादा जो लोग शेयर करेंगे तो, और इस पे 15 से ज्यादा लाइक होते, 15 से ज्यादा कमेंट, 15 से ज्यादा लोगों को जैसे शेयर करोगे तो ये सारा का सारा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ स्पाइडरमैन अमेजिंग टॉयज का कर दिया जाएगा। कि नहीं 15 नहीं बल्कि 20 लोगों को शाउट आउट देके गिव अवे, ताकि ये जो है उन लोगों तक बड़े इजीली पहुंच सके। और अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल के सब्सक्राइब, बाद में बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले जितनी हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।